साइंटिफिक डेटा है जो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि एवरेज फीमेल लिव्स 5 ईयर लॉन्गर देन द मेल. अभी जो रिसेंटली टाइम ऑफ इंडिया में है उसमें भी ये दोबारा चल रहा है. एवरेज फीमेल लिव्स 5 ईयर लॉन्गर देन द मेल. एवरेज फीमेल विल हैव 50% लेस कार्डियक प्रॉब्लम्स देन द मेल. आप देखोगे मूवीज में भी आप कभी किसी एक्ट्रेस को हार्ट अटैक की शिकायत नहीं देखोगे. सीरियल्स में पता नहीं दिखाते हैं देखने दिखाते हैं पर नहीं दिखाते. इतना मतलब इमेजिन नहीं कर सकते राइटर की अ फीमेल गेटिंग अ हार्ट अटैक. होता नहीं है. 50% लेस इन मेंटल असाइलम फीमेल रेशियो इज 50% लेस. वो तो खैर पुरुष मान जाता है इनकी वजह से. और जो सबसे हैरानी वाली बात है इन टर्म्स ऑफ कमिटिंग सुसाइड फीमेल रेशियो इज 300% लेस देन मेल्स. तो अब जब ये डेटा साइंटिस्ट के सामने आया तो उनको समझ नहीं आया कि 2-4% का फर्क होता तो चलो वी कैन अंडरस्टैंड इतना वेरिएशन क्यों है. सो दे स्टार्टेड कंडक्टिंग सर्टेन रिसर्च और उस रिसर्च के जो नतीजे बहुत सारे नतीजे हैं पर उसमें से एक चीज जो आपके अंदर एक काम की है वो ये है फीमेल्स आर लिविंग लॉन्गर हैप्पियर हेल्थियर फॉर वन सिंपल रीजन. Because females, by default, naturally, they have a tendency to enjoy the process. Females can enjoy the process, whereas males have a problem. They're always focused on the destination. जैसे आज सुबह जब आप यहाँ ड्राइव करके आए हैं कार चलाते हुए आपको पता है पुरुष का काम क्या है गालियां देना. गाने बदल बदल के देवी सुन रही होती है Now, she enjoys the process of life. She enjoys the process. अभी मैं सुन रहा था आपने से कोई मथुरा गए थे वृंदावन गए थे एक्सप्रेस वे से गए थे हाँ मैं भी गया था जी अभी हफ्ता पहले. मैं और मेरी वाइफ एक्सप्रेस वे का फायदा ये है आप ना एक काम से गाड़ी चला देते एक काम ऊपर सोफा समझ के बैठे थे और 150 किलोमीटर चली जाती गाड़ी. तो बड़ा अच्छा सफर रहा जब गए पर मैंने देखा कि उस एक्सप्रेस वे पे भी सेम वाला साहब ज्यादा पसंद नहीं है पाए जहां गाड़ियां आ गई थी तो कह रहे गाड़ी नहीं आ गई. वाइफ कहती है अभी जब एक्सप्रेसवे से पहले आप कह रहे जब आज भी ट्रैफिक है अब यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है तो अब तेरे को ये समझते हैं कि आप ट्रैफिक अच्छा हर 50 किलोमीटर में जाएगा यार 150 किलोमीटर का था कितना जाएगा. एंड ऑन द अदर साइड शी वो अपनी 2-3 फेवरेट सीडीज लगी थी जिसका एक भी गाना मैंने नहीं सुना जबकि मैं भी कार में था. क्यों बुद्धि से एब्सेंट बट शी एंजॉयड इट एंड शी वाज थ्रिल्ड. आप उनको कुकिंग करते हुए देख लीजिए पर अनफॉर्चुनेटली कई लेडीज ने आजकल दे आर लूजिंग देयर चार्म. वो कम्पीट करने लग गई है मेल से हर चीज में कम्पीट मत करिए आप डिग्रेड कर रहे हैं अपने आप को. हमें खुशी होती है कि आओ तो आप यू आर कमिंग डाउन. नॉर्मली अगर आप लेडीज को देखेंगे तो व्हेन शी इज कुकिंग शी विल बी एंजॉयिंग इट पीछे पर म्यूजिक लगा के बीच में टेस्ट अच्छा हमारा जिसका काम सिर्फ खाना है वो चिल्ला रहा होता डायरी में जल्दी लाओ निपटाओ रोटी डालो निपटाओ. और आपको पता ही है खाना खाने से पहले समाचार लगा दो. ना तो खाना एंजॉय किया ना समाचार एंजॉय किए हैं बीजी भी तो रहना है. अच्छा लोग भूल जाते हैं कि अब आप प्लांट पे नहीं हो जहाँ नहीं कोई देख रहा बहुत खेत कोई खाली कैसे बैठे घर में यू कैन रिलैक्स यू कैन एंजॉय. हर जगह आपको परफॉर्मेंस प्रेशर क्यों रहता है. इट्स ओके यू कैन एंजॉय द प्रोसेस बट नाउ फिर वेन फॉर अ मेल किस बात की. आपने देखा ना जब भी कभी आपने कभी ट्रेवल किया होगा फैमिली के साथ ट्रेन से या प्लेन से तो आप देखोगे जैसे ही आप घर पे खबर देते हो कि इस तारीख को हम जाएंगे For females, Project Happiness starts. तैयारी, packing. अच्छा आप इनको ना हर 15 दिन में कई बार ले जाओ फिर नए कपड़े आएंगे क्योंकि हर 15 दिन में शिकायत कपड़े नहीं आए
कपड़े नहीं, अरे उन ट्रक भरे भरे वो छोड़ो यही होता ना. सो फॉर देम दिस न्यूज ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड नाउ दे आर एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रेडी. और आपको पता है हमारा क्या काम होता है, हमारा काम होता है स्टेशन पहुंचने से पहले दिमाग में हम सोच लेते हैं कितने किलोमीटर ट्रैफिक होगा, पुलिस झगड़ा होगा, सामान कैसे रखूंगा सीट के नीचे. और हम गिनते हैं 3 बैग और 3 सदस्य 6 लाख. 6 लाख चढ़ाए थे, ये 6 लाख किसी तरह सही सलामत और जैसे ही उतार दो उसके बाद वापिस. ट्रेन तो आप नहीं चला रहे उसको एंजॉय कर, पर उसमें और आप देखना और फीमेल वो साथ में जो फेलो पैसेंजर्स हैं उनके साथ संतरे पट रहे होंगे, सारी फैमिली डिटेल बता रहे हम यहाँ जा रहे हैं यहाँ से आए हैं आप बताओ सब पता चल जाए. और हम ऐसे मुंह खुला के बैठे हुए जैसे आज पहले दिन हिंदुस्तान में वो आए डेस्टिनेशन हो रही हम गैर जिम्मेदार नहीं. एंड शी इज एंजॉयिंग द जर्नी. आप में से जितने लोग मैरिज फंक्शंस में वाइफ के साथ गए हैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, अगर आप बच्चों के साथ भी जाते हैं तो आपको ये तो पता ही है जाने से पहले हम बच्चों की ब्रीफिंग करके लेके जाते हैं किसके साथ रहना है, माँ के साथ छोटे बच्चों मम्मी के साथ रहना है. और आपको ये पता ही है शादी में बच्चों का ध्यान रखता कौन है, पापा क्योंकि पापा देखो फिर घूम रहे तो पापा और थोड़ी देर में फिर मिलता हूँ कोल्ड ड्रिंक्स के काउंटर और हम फिर उसको पकड़ पकड़ के ले जाते. Why? She is enjoying the process. और उसको पता चौकीदार आया हुआ है. पर हमें क्या लगता है कि वो गैर जिम्मेदारी होगी अगर हम प्रोसेस को एंजॉय करें. I seriously love. Right now you're listening to me, right? After some time you will go back home. But right now if you're thinking about going back home, you're neither here nor there. Why can't you enjoy this talk? You can enjoy this talk if you are in the process. But right now I know you are in the process. That's why you're happy. If you are not there in the process, you cannot be happy. Because happiness is never in the future. Happiness is never in the past. Happiness is something which you only feel in the present. And this art, somehow, ladies know naturally that happiness is there in the